सदियों से शिक्षा देने वाले गुरुओं को भगवान से पहले पूजा जाता है। कारण है कि गुरु ही शिष्यों को शिक्षा देकर उन्हें जीवन का सही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन आज कुछ गुरु अपने रास्तों से भटक चुके हैं और शिक्षा को अपना धंधा बना चुके हैं। आखिर कैसे शिक्षक अपने रास्ते से भटक रहे, इस पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। शिक्षा सभी का अधिकार है, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूल भी खोल रखे हैं। ये वही स्कूल हैं जहां बच्चे पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़े होते हैं। लेकिन ये क्या, काशीपुर में कुछ लोगों ने शिक्षा को कमाई का जरिया बना लिया है। ऐसे लोग बिना किसी मान्यता के और न ही स्कूलों के मानकों को पूरा किए स्कूलें चला रहे हैं। यही नहीं, पैसों के लालची लोग अपने स्वार्थ के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। काशीपुर के कटोरा ताल चौकी क्षेत्र में किराए के कमरों में बिना मान्यता के रॉयल एकेडमी स्कूल संचालित की जा रही है, जहां नर्सरी से कक्षा तीसरी के बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। वहीं रॉयल एकेडमी के पास ही अनमोल पब्लिक जूनियर हाई स्कूल भी संचालित हो रहा है, जहां कक्षा नर्सरी से लेकर सातवीं तक के बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं। लेकिन विद्यालय प्रबंधन के पास अलग अलग कक्षा के बच्चों को अलग अलग बैठने की जगह ही नहीं दी जा रही। यही नहीं, देश के नौनिहालों का भविष्य सुधारने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वे कंधे ही पहले से कमजोर है। स्कूलों में पढ़ाने वाली अध्यापिकाएं 12वीं और बीएससी पास है, जबकि सरकार ने निजी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए डीएलएड अनिवार्य कर रखा है। लिटिल स्कॉलर इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये, और इसमें यहाँ पर प्ले हाउस से इस टाइम 6th क्लास तक पढ़ाई चल रही है। तो चाहता है प्लीज़ आप हमें उसे बुलाकर आ दीजिए। हाँ, दो बच्चे हैं, सेवेंथ में आए हैं, दो बच्चे इसी साल आए हैं सर। पास दो क्लासेस नीचे हैं और चार क्लासेस ऊपर हैं। सर ये प्ले ग्रुप से लेकर थर्ड तक है, और एक्चुअली जो मोस्टली प्ले केजी और नर्सरी इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। बाकी जो मेरे पास बच्चे हैं वो एज अ ट्यूशन की तरह हैं, क्योंकि बच्चा ये लोग बच्चे इधर पढ़ते थे सिटी चिल्ड्रन में, वहाँ से ये लोग आ गए हैं वापस। ठीक है, ये मेरे पास ट्यूशन पढ़ते थे, ये कहें इनकी मदर से बोलने लगी सर मैंने लगा रखी है मानता रुद्रपुर में आपके जहाँ पे हैं, मेरे हस्बैंड ने कर रखा है, लेकिन अभी मैं गई नहीं हूँ। एक्चुअली मैंने एक लड़के को दिया था भारतीय विकास परिषद में, वो पता नहीं क्या थे, वो मेरा सारा पैसा भी लेके गए हैं और कागज़ भी ले गए हैं, लेकिन इसके बाद उनका ना तो फ़ोन नंबर लगा है ना कुछ हुआ है, तो वो मेरे पैसे भी चले गए सारे। ठीक है, और इसके बाद मैंने दोबारा से लगाई है मानता है। काशीपुर में शिक्षा के फर्जीवाड़े पर जब खंड शिक्षा अधिकारी से बातचीत की गई तो वे भी चकित रह गई। उन्होंने कहा कि बिना मान्यता के कैसे स्कूल संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि मीडिया के द्वारा फर्जी की जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है, जिन पर एनसीईआरटी के तहत कार्रवाई की जाएगी। उपखंड शिक्षा अधिकारी गीतिका जोशी ने बताया कि देश के नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दी जाएगी। मीडिया के जरिए ही संज्ञान में आया था कि कैसा अमान्य स्कूल यहाँ पर चल रहा है, जो कि बिल्कुल भी मानकों को पूरा नहीं करता था। तत्काल प्रभाव से हमने कार्रवाई की थी, और हमें ऐसे अन्य कई स्कूलों के बारे में भी जानकारी मिली है जो कि अमान्य चल रहे हैं और साथ ही मानकों को भी पूरा नहीं करते। तो ऐसे जो भी स्कूल हमारे संज्ञान में आएंगे उन पर तत्काल प्रभाव से हम कार्यवाही करेंगे। देखिए, पहले तो ये होता है कि इस तरह के जब हम किसी पर भी कार्यवाही करते हैं, जैसे पिछले स्कूल पर हमने एक लीगल एक्शन मतलब एक्शन लिया है, उसको जुर्माना आरोपित किया है, तो पहले तो कई बार ये होता है कि इन्हीं तरह की चीज़ों से लोग समझ जाते हैं कि चूँकि हमने कार्यवाही करनी शुरू कर दी है, तो कई सारे लोग तो अपने कामों को अपने आप ही रोक लेते हैं। और उसके बाद जो भी अगर इस तरह के फिर भी हमें स्कूल मिलते हैं, तो जो भी हम कार्यवाही कर सकते हैं हम आरटीई की धाराओं के तहत ही कर सकते हैं, और आरटीई की धाराओं के तहत यदि कोई हमारे नोटिस पर कार्यवाही नहीं करता है, जुर्माना जमा नहीं करता, तो उस पर लीगल कार्यवाही करने का प्रावधान है। हम अगर ऐसा कोई स्कूल मिलता है जहाँ पर बच्चों की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खतरा है या जो बिल्कुल अमान्य चल रहा है, तो हम उस पर FIR दर्ज करा सकते हैं। तो मामला गंभीर होने पर हम अवश्य ही ऐसे स्कूल के खिलाफ FIR करवाएंगे। गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊंचा माना जाता है, लेकिन कुछ शिक्षकों ने अब शिक्षा को ही अपना धंधा बना डाला। काशीपुर में एक के बाद एक ऐसे स्कूल सामने आते जा रहे हैं जो ना तो मानकों के अनुसार चल रहे हैं, ना ही उनमें उच्च शिक्षा दी जा रही है। ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है, आखिर अधिकारियों की नज़र ऐसे स्कूलों पर क्यों नहीं पड़ती, और सरकार ऐसे सुस्त अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। न्यूज़ इंडिया, अजहर मलिक, काशीपुर।